ये मेरे को देखा था, मतलब उस टाइम मैंने इग्नोर कर दिया था, ठीक है, मतलब ओ फाइनली ये है मनीष, ओके ये पॉजिटिव वे में था, नेगेटिव वे में था, मेरे को समझ में नहीं आया। अभी तो नहीं है ना? हाँ अभी नहीं, कितने बोला अभी तो, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? ऐसे खोलोगे ना बड़ा बड़ा ऐसे गिरेगा सारा। सीरियसली ऐसे कहाँ रह गए? अरे आना है यार, मैं अकेले बना दूँ वीडियो। हटो। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो, एंड ये वीडियो है क्यू एंड ए वीडियो, क्वेश्चन आंसर्स। बेसिकली एक इंस्टाग्राम पोस्ट में डाला था हमने रिसेंटली, एंड उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस आए, कुछ फन क्वेश्चंस, कुछ फन इंटरेस्टिंग रोमांटिक फ्लर्टी टाइप के क्वेश्चंस। सो देखते हैं द आंसर्स, आई होप इट विल थ्रिल यू गाइस। ओके सो शुरू करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द फर्स्ट गिफ्ट दैट योर पार्टनर गिफ्टेड टू यू? ओके आई विल से द आंसर द फर्स्ट। सो फर्स्ट गिफ्ट ये लाया था शायद 27th, आई स्टिल रिमेंबर, 27 दिसंबर ये सडनली घर आया। उस दिन प्लान नहीं था हमारा कुछ भी, एंड आई वाज वर्किंग, सिंस मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है तो मैं काम कर रहा था एकदम कंबल वंबल के अंदर आराम से कंफर्टेबली, एंड सडनली कॉलिंग बेल बजाया। मुझे सच में आइडिया नहीं था कि उस दिन ये आ रहा था, एंड ये आया, एंड वो दरवाजा खोल मैंने खोला और इसे देखा विद अ बिग बुके एंड वो डेरी मिल्क वाला बड़ा वाला। उसे पता है मुझे फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स दोनों पसंद है, एंड आ गया ऑफिस के बीच में, मैंने लीव ले लिया उसके चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स देख के, क्योंकि मैं ऐसे वो साइड में बैठे रहेगा एंड मैं काम करते रहूंगा ऐसा मुझसे नहीं होगा। तो दैट वाज द फर्स्ट एवर गिफ्ट दैट ही गिफ्टेड टू मी। मेरा ये था कि हम लोग गए थे साकेत मॉल और हम लोग घूम रहे थे ऐसे ही, फिर शाम का मतलब पूरा दिन हमने स्पेंड किया, फिर शाम को हमको घर जाना था, फिर घर जाते वक्त एक शॉप दिखी हमको छोटी सी, तो छोटे छोटे वो ब्रेसलेट और लॉकेट ये सब वो सेल कर रही थी, तो ये देख रहा था वहाँ पे, बट मुझे लगा नहीं था ये मैं ले रहे होंगे हाँ सब। तो पहले तो मेरे हाथ में डाल के देखा कि अच्छा लग रहा है, लगा वैसे मैं बस टेस्ट कर रहा, देखो अच्छे से दिखाओ ऐसे कैसे। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लगा ये अपने लेगा तो ये काफ़ी अच्छा है, बट मुझे टेस्ट मतलब हाथ में पहन के फिर ये जेब में रख के फिर आगे चला गया था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे वापस बुलाता है, फिर वापस मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ये पहना दिया। सो ये फर्स्ट गिफ्ट था, बहुत क्यूट था ये। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्री नेम्स योर पार्टनर कॉल्स यू बाय? मैं बताऊँ सेम ही होगा ऑलमोस्ट। हाँ सो मुझे बहुत नाम से बोला लुल्लू उल्लू पता नहीं क्या क्या बोलते, बट मोस्टली जो मेरा नाम है एक बेबी मुझे ज़्यादा बोलते हैं, और नितेश ऑब्वियसली जो मेरा नाम है, और बताओ तुम, तुम्हारा क्वेश्चन है जाना। वाओ क्यूट नेम है, बट जाना, नितेश और बेबी और लुल्लू उल्लू तो मतलब नितेश तब बुलाते जब ये लड़ रहे होते हैं मेरे से, जब और नितेश नाम ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कुछ गाली दे दी मेरे को इन्होंने ऐसा नितेश नाम, तो मुझे नहीं लगता अच्छा जब ये नितेश बोलते हैं मेरे को। सो बेबी जाना और नितेश, अब मैं वही बेबी बुलाता हूँ, एंड ये तो मेरे को मनीष बुलाता नहीं कभी भी, मैं भी तब बुलाता जब मैं गुस्सा होता हूँ, बट ये गुस्सा होता नहीं है, मैं ही होता हूँ जितना होता हूँ, तुम लड़ाकू। हाँ वो तो हूँ मैं, तो मैं ये मेरे को बेबी बुलाता है कभी कभी, बीच में ट्राई किया था इसने बेटू बुलाने का, बेटू आता है स्टार्टिंग से, मुझे बेबी रटा हुआ, तो मैंने बोला बेटू इट्स डिफरेंट ना, कौन ही सब लोग ऐसे बेबी भी बुलाते हैं, बेबी बेटू बोलो ना, इंडियन है हम बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु टेक्स द मोस्ट टाइम टू गेट रेडी? मैं को तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैं मूड होता हूँ कपड़ा पहन के रेडी, मुझे पता है क्या पहनना है, मुझे ये पहनना है बस, स्टार्ट रेडी, एक कपड़ा उठाया वो पहना वहां फेंका, फिर दूसरा पहना फिर वो उठा गया वहां फेंका, मतलब ऑलमोस्ट एक घंटा ले लेते हैं, उसके बाद एक घंटा भी नहीं ज्यादा बोल रहे हो तुम, थोड़ा उससे ऊपर जाता होगा शायद। हाँ नहीं और मुझे गुस्सा तब आता है, मुझे सारे उठा उठा के मुझे समेट के रखने पड़ते हैं, बहुत इरिटेटिंग काम होता है, आयरन भी करना पड़ता है सब कपड़ा, मैं एक कपड़ा उठा ये इसने आयरन वायरन करके रखा, मैं वो पहनूंगा ट्राई करूंगा अच्छा नहीं लगा मैं फिर से फेंक दूंगा,
मतलब परेशान नहीं होता, बेबी है तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, इतना मोटिवेट करता हूँ, बट वो पहनते ही नहीं है कपड़ा वाला। ये आंसर तो यही है, सही है, मेरा भी सेम ही आंसर, मैं ही ज्यादा टाइम लगाता हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट भी लगते हैं। और इफ यू गो एंड सी माय वार्डरोब, बताओ ऐसे 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 तुम ऐसे खोलोगे ना बड़ा बड़ा ऐसे गिरेगा सारा। सीरियसली ऐसे कैसे दिखाओगे इस वीडियो में? और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी फर्स्ट मेट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ मी? बताओ बताओ। सो पहली बार एकदम हम 23 को हम ले थे, 23 दिसंबर को, दिसंबर ओके। सो हम लोग ये इंग्लिश बहुत ठीक करता है मेरे एक्चुअली। सो हम लोग नीचे मिले थे तो, और ये मैंने बोला था कि नीचे खड़े रहना क्योंकि मुझे पता नहीं है। हाँ हाँ नीचे खड़ा रहूँगा। फिर ये लोग ये निकले पता नहीं कि बार्बर की शॉप से बाल बाल कटवा के दाढ़ी वाड़ी बनवा के। मैं गया मनीष क्या क्या बोला तुमने? ये है मनीष थोड़ा वो लगा कि अच्छा ये है मनीष मतलब ओ फाइनली ये है मनीष। ओके ये पॉजिटिव वे में था, नेगेटिव वे में था, मेरे को समझ में नहीं आया पहले। पॉजिटिव में था तो माय गॉड ये है मनीष। चलो अभी तो फाइनली बोल दिया मुझे कोई जुड़ने साथ नहीं। पहले वो फीलिंग क्या था जब तुम मेरे को पहली बार देखी? तुम्हें वही बता रहा था, पहली बार तो तुमने मुझे प्राइड में देखा था ना। अच्छा हाँ हाँ ये तो नहीं 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 सॉरी लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन अगेन। तो क्वेश्चन था खोलोगे जल्दी? हाँ क्वेश्चन था कि व्हेन वी फर्स्ट मेट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ मी। तो पहली बार इसने मुझे दिल्ली प्राइड में मिला था। सो मैं स्टार्टिंग से बता रहा, जैसे अब तक चला, अब तो मेरी बेइज्जती करोगे तो। जून से चला, मतलब जून जुलाई 2021 जून, ठीक है, तब से मैंने फर्स्ट बार टेक्स्ट किया था। उसके बाद फिर वो नहीं पहली बार सुन लोगे मेरी बात। तो फिर स्टार्ट हुआ फिर जून से, जैसे लेटेस्ट जून 23 जून से, तो जून जुलाई अगस्त तब से मतलब जो बिहेवियर था मेरे साथ, हाय का रिप्लाई नहीं देना, बाकी जो भी चीज़ उन्होंने मेरे साथ करी, ठीक है, क्या करी ऐसे कैसे कैसे मतलब तो? रिप्लाई नहीं देना और एटीट्यूड दिखाना है मेरे को। सो चलिए जिस दिन मैं मिला था उस दिन की बताता हूँ मैं। तो फिर उस दिन प्राइड परेड था, मैंने सुबह मैसेज किया था कि आप जा रहे हो क्या, मिलोगे क्या मेरे साथ, हम दोनों साथ चल लेंगे, मैंने ऐसे बोला था। बट पता नहीं उन्होंने बोला कि नहीं मैं जा नहीं रहा, या फिर इग्नोर कर दिया था शायद मैसेज। मैंने वही बोला था कि श्योर नहीं, मेरे को एक्चुअली मिलना नहीं, बोला था कि जा ही नहीं रहा। अच्छा मैंने झूठ बोल दिया था, बट मैं जाने वाला था, मैं बहुत श्योर था, मैं दीदी के साथ जाने वाला था। भाई बताऊंगा थोड़ी देर में ना वीडियो। तो फिर पूरा प्राइड के मतलब ऑलमोस्ट सुबह कब स्टार्ट हुआ था वैसे प्राइड पर? 12:30 और मैं ऑलमोस्ट 4 पहुंचा था किसी रीज़न की वजह से। तो डायरेक्ट मैं जहाँ पर वो शो हो रहा था मैं वहीं पहुंचा था डायरेक्ट, और फिर सब कुछ शो ख़त्म हो गया। मुझे पता था कि आसपास तो है, मुझे बता दिया था मेरे फ्रेंड्स ने कि भौमिक जी यहीं पर हैं। सो प्राइड परेड ख़त्म हो गया तो मैं जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ, और ये पीछे ही किसी दो जनों के साथ आ रहे थे, नाम नहीं लूँगा, तो उनके साथ आ रहे थे कुछ लदे हुए थे ऐसे करके, ऐसे थे वो कुछ चढ़े हुए थे उनके ऊपर। ऐसे भी मैं नहीं था, वो लोग चढ़े हुए थे। हाँ भाई तुम बोलने दोगे मेरे को? अपने वर्ड मेरे मुंह में मत डालो। तो फिर क्या हुआ एंड में, फिर मैंने देख लिया था पलट के कि पीछे से आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि यार पता नहीं बेइज्जती ना कर दे, मैं हाथ में रहन जाऊँ, कौन नितेश कौन हो तुम, ऐसे बोल दे मेरे को। फिर मैं हिम्मत करके वापस पीछे गया, फिर मैंने कहा हाय मनीष, और जस्ट ऐसे था वो, हाय मनीष साइड वाला जो होता है साइड ऐसे बस। सो बताऊंगा अभी वीडियो यार। तो वो ऐसा था कि वो मतलब बहुत तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इसका यही था कि ये उसी टाइम में मिला था प्राइड में, तो जंगलियों की तरह बड़े बड़े बाल थे मेरे, और इसको ना चिपकी वाली पैंटे नहीं पसंद, मतलब लोग मतलब बिल्कुल
तो मैं वैसे ही पहन के गया था और एक मतलब और बहुत मैं बता रहा हूँ ना, ये जैसा लग रहा था मुझे बस अब अगर तुम बोल रहे हो मुझे अगर आने को आगे कुछ होने वाला भी होगा तब तो नहीं होगा, तो लुल्लू बन के आए थे तेरा तो कर गया पड़ी तेरा पत्ता तो कट गया ऐसा लगा। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये था, मैंने पहले इसे दूर से देखा था, ये मेरे को देखा था मतलब उस टाइम पे मैंने इग्नोर कर दिया था ठीक है कि अच्छा ये यही तो मेरे को मैसेज करना था मुझे पहले हाँ तो मैंने देखा चुप रहोगे तुम, मैं सच बोल रहा हूँ ना, अभी मैं गीता के हाथ में नहीं, गीता नहीं है यहाँ पे, ये मेरे करियर के हाथ पे कसम रख के मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। मैंने दूर से देखा इसे एंड मुझे पता कि यही तो है जो मेरे को मैसेज करते रहता है इरिटेटिंग। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ तो फिर ये मेरे को देख रहा था एंड मैंने ऐसे सर घुमा दिया कि हाँ आई डोंट नो यू, कैसे घुमाया कैसे घुमाया ऐसे और फिर लास्ट में वो जब मेरे को हाई बोला उस टाइम में मैंने ये क्या पैंट पहना है, ये क्या शूज पहना है, और ये लंबा लग रहा था मुझसे क्योंकि ये बहुत एक हील वाला शूज पहन के रखा था, वो जो बूट्स होते हैं वो वाले, एंड मुझे लंबे लड़के पसंद नहीं है, एक बात स्ट्रेट है, तो मेरा उसी टाइम एकदम सारा वो हो गया था, आज से आज के बाद तो उसको मैसेज करूंगा ही नहीं मैं, हो गया बस करता कब मैसेज रिप्लाई नहीं दूंगा ये जो जो बच्चा गुजा देता हाँ बट तुम व्हाइट शर्ट पहने थे वो मेरे को याद है, बट और वो अच्छा लग रहा था, मैंने नेक्स्ट डे उसको मैसेज भी किया था हाँ नाइस टू मीट यू नितेश ऐसे बोला था तो मेरे को वो लगा अच्छा लगा था स्वीट लगा था बिकॉज वो खुद आके बुलाया मुझे, बट वही था लुल्लू लग रहा था मुझे बहुत ज्यादा कलर अजीब लुल्लू अजीब से, इसको ड्रेस सेंस बिल्कुल नहीं पता है इसको हाँ नम नम क्या बाकी का बाद में पर्सनली बोल दूंगा मैं सबको नम नम नहीं तो मैं चमकूंगा आज बहुत ज्यादा इससे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फिजिकल फीचर ऑफ माइंड डू यू लाइक द मोस्ट। फिजिकल फीचर सबके ना मतलब सबके जो डिम्पल होता है वो यहाँ आता है यहाँ पे इधर आता है इनके यहाँ पर आता है इधर तो ये तुम्हें पसंद है हाँ सीरियसली मुझे बहुत और कुछ पसंद नहीं है ये वाली शक्ल में वो ठीक है बट मैं फर्स्ट की बात हो रही है मोस्ट की बात हो रही है तो मोस्ट में ये आता है ठीक है और मुझे बहुत क्यूट लगता है और ये जो द्वारा एंड इसके फेस पे मेरे को बेस्ट फीचर लगता है इसका स्माइल, ये ऐसे होता है ना ये ऐसे इस वाले व्यू से इसका स्माइल बहुत पसंद है पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब है ऐसे, जब तो सोते रहता है ना सोते जब सोते रहता है तो मैं ऐसे देखता हूँ मेरे को वो वाला व्यू बहुत पसंद है वीडियो भी ऐसी हाँ मैं वीडियो भी लेता हूँ उसका ऐसे ताकि क्यूट लगता है बहुत ज्यादा पता नहीं बहुत ही अजीब है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इनिशियली अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स मी। तुम बताओ जरा। इनिशियली तो मैं अट्रैक्ट हुआ ही नहीं था इससे बिल्कुल भी हाँ बस इनको कौन सा फीलिंग आई थी क्रिंज क्रिंज आया था मेरे को इसका प्रोफाइल देख के बिकॉज़ अजीब अजीब से फोटोज थे सारे ठीक है अजीब से एंगल ऐसे 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 हाँ इनको ज्यादा नहीं फिर मेरे को शायद दिसंबर में इसका एक पोस्ट था वो गया था सुंदर नर्सरी में वो फर्स्ट टाइम मैं इससे थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव हुआ फोटो देख के हाँ अच्छा तो है दिखने में मतलब क्यूट है वो स्माइल कर रहा था वो स्माइल वाली पहली फोटो तो उस टाइम में फोटो देख के मेरे को बहुत अट्रैक्टिव फील हुआ क्योंकि वो बहुत ही क्यूट था उसका स्माइल अच्छे से दिख रहा था नेचर था पीछे वो क्यूट एकदम ये डिंपल्स दोनों डिंपल्स आ रहे थे इस साइड भी आते हैं थोड़ा बहुत हाँ तो थोड़ा बहुत हाँ तो मेरे को बहुत क्यूट लगा था वो इसीलिए वो मेरा फर्स्ट चीज था जो मैं अट्रैक्ट हुआ था। मेरे तो ये ऊपर से नीचे अट्रैक्टिव लगते हैं टो से लेकर यहाँ तक कुछ है मतलब सी देखो कितना कितना हॉट है देखो ये भी मजा सो सिंपल सी बात है मतलब ओवरऑल मुझे सब कुछ इनमें पसंद है तो तभी मैं जून 2021 में इनको टेक्स्ट किया था भाई आगे के दिन पे आ रही तुम्हारे हाँ ठीक है ऑलमोस्ट मतलब MAAAL ये मेरे को बहुत हाइप अप करता है मेरे को बहुत बहुत ये अच्छा लगता है कि यू नो आप अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाता है व्हेन समवन अप्रिशिएट्स यू एंड ये मुझे हमेशा अप्रिशिएट करता है ये कभी भी कुछ भी पहनता हो ये बोलता है यार तुम कुछ भी पहनो अच्छा लगता है हाँ, ये भी अच्छे लग रहे हो कमरा कपड़ों से एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ ये हमेशा बोलता है कहीं भी जाते हो तो भी अच्छे लग रहे हो कहीं भी आता हो तो भी यार इतने हैंडसम क्यों लग रहे हो
मुझे खुद भी पता है कि मैं बहुत ही एवरेज लुकिंग हूँ, बट स्टिल भी ये मेरे को कभी एवरेज हाँ मेरे को पता है, बट फिर भी ये मेरे को कभी भी आज तक मैं वो तुम्हारे सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द मोस्ट रोमांटिक थिंग यू हैव एवर प्लान्ड फॉर मी. सो मोस्ट रोमांटिक थिंग हाल से मैं पहले बोलूंगा ये चीज ये रोमांटिक था. हाँ ये बहुत रोमांटिक था, तो मैं बताऊंगा वैलेंटाइन्स डे में हुआ था शायद. आप लोग देखा है फिर भी बताता हूँ, ये क्वेश्चन आया तो आंसर तो देना पड़ेगा. तो वैलेंटाइन्स डे में मेरे को बिल्कुल भी प्लान बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ही इज गोइंग टू गिफ्ट मी दिस. तो मेरे को लगा था कुछ नॉर्मल सा गिफ्ट मिलेगा, बट दिस वॉज वेरी थॉटफुल बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था पहले लू क्या क्या नहीं है इनके पास पूरा वो भरा हुआ वॉच वॉच से बहुत पसंद आया था. एंड उससे भी ज्यादा मोस्ट रोमांटिक थिंग ये था कि ये इसने एक गाना बनाया था और वो गाना बना के मेरे सामने गा रहा था. फनी सा गाना मेरे को बहुत फनी लगा, मैं हंस भी दिया इसके सामने. अच्छा हुआ तुमने वो डाला नहीं वीडियो है मेरे पास अभी भी. एंड वो एक लेटर लिखा था उसने जो आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में देखा. अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई विल शेयर द लिंक तो आप लोग देख लेना. एंड वो एक पेपर में कुछ एक लिखा था उसने अच्छा सा पोएम वोएम. अब मैंने ना उस पेपर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पहले उसको साइड से फाड़ा. हाँ. फिर लाइटर से मैंने उसको जलाया. वो क्यूट था. ये एफर्ट्स मुझे पता है इसने कभी भी पहले कभी किसी के लिए नहीं डाला है. वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम डाला है और उसने इंग्लिश में लिखा है बहुत ही मेहनत से. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैंने उसको बोला था कि बेबी तुम कुछ भी लिखोगे मेरे लिए इंग्लिश में लिखोगे. सो रोमांटिक तो उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए. मतलब मैं कितना ही बताऊं, बहुत बार तो मुझे मैं घर पे आता हूँ मुझे यहाँ पे बुके मिलता था चॉकलेट मिलता था बहुत क्यूट था वो बस. सो एक बताता हूँ मैं हम लोग जयपुर गए थे तो जयपुर हम लोग आने वाले थे उस दिन लास्ट टाइम. हाँ तो हम लोग आने वाले थे तो मैं वेट कर रहा था रूम के. उन्होंने बोला कि मैं भी आता हूँ आधे घंटे के अंदर. और उन्होंने पता नहीं कैसे ब्लिंकिट ब्लिंकिट से कैसे पता नहीं किससे से बात करी इन्होंने फिर गए लोग ये बुके बनवा के. बेसिकली मुझे चॉकलेट पसंद है किटकैट जो कि बहुत नॉर्मल सी चॉकलेट है तो पसंद है मेरे को. तो एक बुके बनवा के लेके आए थे और इतना सा बड़ा बड़ा बुके था उसके अंदर रोज लगे हुए थे और साथ साथ में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वन वर्ड दैट योर पार्टनर यूजेस द मोस्ट बताओ. ऑब्वियसली और ऑलवेज ऑब्वियसली ऑलवेज ऑब्वियसली बस हर चीज में ऑब्वियसली ऑब्वियसली बोलूंगा ना मैं. ऑब्वियसली नहीं बोलता ऑब्वियसली ऑब्वियसली बंदा ऑब्वियसली बोला करो. बाय के बदले भी ऑब्वियसली बोला करो. गुड मॉर्निंग के लिए बदले ऑब्वियसली बोला. देखो ऑब्वियसली इज वेरी कॉमन वर्ड तो ऑब्वियसली बोलूंगा ही मैं. ऑब्वियसली और भी बोलता हूँ मैं, जैसे कि लुल्लू बोलता हूँ मैं ऐसे जिनमें 100 बार ऐसे लुल्लू बोलता हूँ क्योंकि लुल्लू वाला काम करता है पूरे दिन. लुल्लू की कहाँ से सीखा तुमने ये सब लुल्लू? इससे सीखा है मैंने. ये सारे गंदे वर्ड मुझे इससे सीख मैं कुछ अच्छा सीखा है. लुल्लू चमकाना फिर और क्या वो सब नहीं बोलूंगा मैं बाकी वाले सब. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी. बिगेस्ट इनसिक्योरिटी इज दिस जो ये फोटो डलती है ना शर्टलेस वाली जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. तो वो लोगों को पता है ना मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ तो कौन ही अप्रोच करेगा मेरे को. सभी करते हैं जाके खोल लो ना रिक्वेस्ट मैसेज हाउ वाओ हॉट सेक्सी. तो इससे क्या मैं तो तुम्हारा हूँ ना तो मैंने चाहता ना कोई और देखे ये सब तो ये तो दिखेगा ही ना. अभी अभी देखो मैं कुछ दिनों से वर्कआउट स्टार्ट किया मैंने. अभी लगा लो तुम बस बोलो. कुछ दिनों से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो थोड़ा तो मन करेगा ना कि मैं अपना प्रोग्रेस दिखाऊं. सो इनसिक्योरिटी की बात हुई तो ये प्रोग्रेस उठा तो ना पूरा. सो इनसिक्योरिटी यही है बस और कुछ नहीं है. वैसे मेरी इनसिक्योरिटी कोई नहीं है इससे. ये ही इज द फर्स्ट एवर पर्सन इन माई लाइफ जिससे मैं इनसिक्योर नहीं हूँ. पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को इस पर 100% ट्रस्ट है. एक तो कैसे नहीं होगा, जब मैं ऑफिस के लिए घर से निकलता हूँ ऑफिस से निकलते हुए ऑफिस से पहुँचते वक्त कॉल पर रहते हैं सर. जब मैं बैठ जाता हूँ मेरे ऑफिस में पंचिंग वाला वो बोलता है थैंक यू. ये सुन लेते हैं कि हाँ ऑफिस पहुँच चुका है तब वो आके फ़ोन करता है. ऑफिस के जब मैं निकलता हूँ 6:30 बजे लिफ्ट में तभी मेरे पास कॉल आता है 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक. तो क्या क्या ही होगा इनसिक्योर कहाँ ही जाता हूँ. एग्जैक्टली इनसिक्योर नहीं हूँ ना मैं, वही तो बोला मैंने. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्पेंड्स द मोस्ट टाइम इन शावर हिम. ये ऑलमोस्ट शायद आधा घंटा तो लग जाते ये पता नहीं गाना वाना गा के मैं आज तो मैंने उसका लाइट ऑफ कर दिया लाइट ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहा था. लाइक कब निकलोगे, एक साल लगेगा क्या?
सर्दी में मैं रोज नहाता हूँ भाई। गर्मी के दिन में शायद मैं स्किप कर भी दूँ, बट सर्दी में मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज योर पार्टनर डू इन फ्री टाइम। बताओ मैं फ्री टाइम में क्या करता हूँ, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए सर। ये रील देखते हैं कि कौन सी रील बनाऊं मैं अब। प्लीज इतना भी नहीं, मैं फ्री बैठता हूँ कि रील देखते हो। हाँ ये देखते हैं किस टाइप की रील बनाऊं। कभी कभी जब बनाना होता है तब से पहले। और मैं फ्री टाइम में क्या करता हूँ तुम्हें ये पता नहीं है। सच में मैं चमकाऊंगा मैं क्या कर रही हूँ और डर लगता है बनाते हुए तो बताओ तुम मेरे को। पहले भी रुक जाओ, नहीं बन रही वीडियो भी। हाँ बताओ क्या करते हो। मेरे को नहीं पता, तुम ये तो करते हो। नहीं पता मैं क्या करता मैं फ्री टाइम में। ये करता हूँ फ्री टाइम में, ये भी करता हूँ, रील्स भी देखता हूँ। और कुछ नहीं करता मैं, नेटफ्लिक्स नहीं देखता मैं। तुम लड़ोगे क्या मेरे से? और क्या करता हूँ मैं? और मेरे से बात और क्या करते हो? वर्कआउट। वो फ्री टाइम होता है क्या? हाँ फ्री टाइम मतलब क्या होता है तुमको पता है? हाँ वो तुम्हारा एक रूटीन है कि तुमको वो करना है, तो वो फ्री टाइम नहीं होता। फ्री टाइम ही होता है वो। कुछ भी नहीं पता है इसको मेरे बारे में। और ये अपने फ्री टाइम में बस मुझसे बात करता है और कुछ नहीं करता है। मैं गुस्सा हो गया तुमसे। तुम्हें नहीं पता मैं पेंटिंग करता हूँ फ्री टाइम में। कितनी पेंटिंग करी, कब बनाया, कितने साल बाद तुमने पेंटिंग बनाई मुझे बताओ। जो भी हाँ तो तुम हटो, तुम जाओ यार। ओके सर, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर पार्टनर्स फेवरेट फूड। मार खाओगे अभी नहीं बता पाया तुम। पता है मेरे को, बताओ। चिकन इनको बहुत पसंद है। क्या चिकन? चिकन चिकन कितने सारे चिकन है सर? एक शीख कबाब। रुक जाके बताने दोगे? हाँ। तुम बिल्कुल मानने को तैयार हो जाते हो। शीख कबाब और और एक डेरी मिल्क की ओरियो वाली चॉकलेट है जो कि बहुत पसंद है, और एक डार्क चॉकलेट पसंद है, बट उतनी नहीं पसंद बट ठीक ठाक पसंद है। और आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम? चोकोबार ज़्यादा पसंद है शायद तुमने। लेके आता चोकोबार। मान खा लो बटर स्कॉच पसंद है मुझे। चोकोबार लेके तो आता हूँ मैं, तुम्हें मैं ठीक है ना। बटर स्कॉच पसंद है मुझे। चोकोबार चोकोबार तुम लाए हो इसलिए मैं खा देता हूँ। तो इसको पसंद है। हाँ हाँ बताओ, मैं भी पीटूंगा ही पकड़ी। इसको पसंद है असामिस क्विजीन। मैंने इसे दो बार अब तक लेके गया असम हाउस, यहाँ पे जो दिल्ली में है चाणक्यपुरी में, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल असामिस फूड मिलता है। तो वहाँ पे बहुत सादा खाना मिलता है, आलू पिटिका। ऑल द असमिस पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आलू पिटिका इसको बहुत पसंद है। फिर हमारे यहाँ पे जो मसूर का दाल होता है वो उसे बहुत पसंद है। फिर राइस, फिर एक टोमेटो की चटनी होती है वो बहुत पसंद है। फिर चिकन पसंद है इसे वहाँ की। एग भी पसंद है, ऑमलेट भी पसंद है, एंड मेरे हाथ का इसको फ्राइड राइस पसंद है। इसको आइसक्रीम आइसक्रीम का इतना शौक नहीं। फिर बंगाली खाना में इसको संदेश पसंद है, मलाई चमचम पसंद है, मिष्टी दो इसका फेवरेट है जो कि आज ही ये खाया है। दो मेरा भी खा चुका है इसने। दो हाँ कुछ भी? तो मेरे को सब पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। सो दैट्स ऑल गाइस, यही सारे क्वेश्चन हमें मिले थे एंड हमने ट्राई किया जितना ज्यादा आंसर्स दे सके। बचे कुछ हो तो कमेंट में डाल देना, कमेंट में डालो एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक द वीडियो एंड एनी न्यू वीडियो सजेशंस प्लीज कमेंट्स में डालना, ताकि हम नेक्स्ट वाला वीडियो डाल सके वेरी सून। एंड दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, वी लव यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, बाय, लव यू गाइस, हम लोग को भी बाय बाय। हां बाय बाय।